नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिएगा कल अपना 7.1 कंप्लीट हो चुका है। आज हम स्टार्ट करेंगे 7.2। अपना 7.2 का नेक्स्ट टॉपिक है अपना पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। आप नोट्स में अच्छे से बनाना, जिस प्रकार मैंने पहले फार्मूले करवाए हैं उसी प्रकार पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के भी कुछ फार्मूले हैं। आपका टॉपिक है 7.2 में, आपका टॉपिक है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, और इसमें आपका पहला फार्मूला है साइन 90 माइनस थीटा। आपका 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा के। नंबर दो, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आपका होता है साइन थीटा के। तीसरा आपका टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोट थीटा के। ये फार्मूले बेटा आपको अच्छे से याद करने पड़ेंगे। चौथा आपका है कोट 90 माइनस थीटा बराबर आपका है टेन थीटा। उसके बाद पांचवा आपका है सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा आपका होता है सेक थीटा। देखिएगा पूरक कोण किसे कहते हैं, जब दो कोणों का योग कितना हो 90 डिग्री हो तो वे दोनों कोण आपस में क्या कहलाते हैं, पूरक कोण। तो यहाँ पूरक कोण किसके है अभी त्रिकोणमितीय अनुपातों में, तो यहाँ कहीं भी आपको साइन 90 माइनस थीटा दिखाई दे जाए ना तो वहाँ पुट क्या करना है, कोस थीटा। कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोट थीटा, और कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा। अगर आपको ये छः फार्मूले पता है तो 7.2 में आपको कोई डाउट नहीं आएगा, एकदम इजी सी एक्सरसाइज है। और हम स्टार्ट करते हैं 7.2 का पहला प्रश्न। अब बेटा पहला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। आपको मान ज्ञात करना है, और आपका पहला प्रश्न है साइन 37 डिग्री बटे में साइन, आपका पहला प्रश्न है कोस 37 डिग्री, कोस 37 डिग्री बटे में साइन 53 डिग्री। आपका पहला क्वेश्चन है कोस 37 डिग्री बटे में साइन 53 डिग्री। आपको इसका मान ज्ञात करना है कि इसका मान क्या होगा। अब बेटा देखिएगा, सबसे पहले तो आप देखिएगा 7 और 3 10, 5 और 3 8 और 1 9, इन दोनों थीटा का मान 90 डिग्री होना चाहिए। इन दोनों का मान कितना डिग्री आ रहा है 90 डिग्री। अब क्या करना है, इसका अपने को मान फाइंड करना है, मान ज्ञात करना है। बेटा एक को तो सेम रखेंगे, दूसरे को क्या करेंगे चेंज करेंगे। एक को सेम रखेंगे, दूसरे को क्या करेंगे चेंज करेंगे। अब आप देखिएगा, यहाँ मैं कोस 37 डिग्री को तो सेम रखता हूँ, अब ध्यान से समझना। अच्छा यहाँ साइन का मैंने साइन लिखा, यहाँ 53 डिग्री है बेटा, मैं ये लिख सकता हूँ क्या 90 माइनस 37। अगर बेटा 90 में से मैं 37 घटा दूँ तो क्या आ जाएगा 53। कुछ चेंज नहीं किया मैंने, यहाँ कोस 37 को तो 37 रखा, और यहाँ साइन 53 डिग्री है, 53 में को मैंने क्या लिख दिया 90 माइनस 37, क्योंकि 90 में से 37 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा 53 आएगा। अब देखिए बेटा, ये वाला तो आपका सेम है कोस 37 डिग्री, साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ थीटा कितना है 37 डिग्री, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है कोस थीटा के। तो यहाँ आ गया कोस, और बेटा यहाँ थीटा कितना है, देखो थीटा यहाँ है ना, इसका मतलब थीटा ये है,
कोस कितना डिग्री आ गया, 37 डिग्री, और बेटा आपस में कट गया, भाग दिया, तो उत्तर कितना आ गया, 1। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, फिर भी मैं दोबारा बताता हूँ। कोस 37 डिग्री बटे में साइन 53 डिग्री, कोस 37 डिग्री बटे में साइन 53 को मैंने 90 माइनस 37 लिखा, 90 में से 37 गया, कितना बच गया, 53 बच गया। तो यहाँ साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के, और थीटा आपका कितना है, 37 डिग्री। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल ईजी है, एक को तो सेम रखना है, दूसरे को चेंज करना है। जैसे कि इसी का दूसरा क्वेश्चन देखना बेटा, कोसेक 32 डिग्री बटे में सेक 58 डिग्री, सेक 58 डिग्री। अब आपका बेटा ये दूसरा क्वेश्चन है, पहले के पार्ट चल रहे हैं, पहले का ये था पहला और ये वाला आपका है दूसरा। अब देखो बेटा, सबसे पहले कोसेक और सेक आपस में उल्टे हैं कि नहीं, यहाँ देखो सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, ये तो ठीक है। अब देखो 8 और 2 10, 5 3 8 1 9 आता है ना 90 डिग्री, 32 डिग्री और 58 डिग्री कितना होता है, 90 डिग्री। तो ये आपस में पूरक कोण है ना, तो फार्मूला अपना ये लगेगा इनमें से कोई एक। अब देखो एक को मैं सेम रखता हूँ, कोसेक 32 डिग्री को तो मैंने सेम रखा और सेक को भी सेम रखा बेटा, सिर्फ मैंने 58 डिग्री को क्या लिखा, 90 माइनस 32 डिग्री, क्योंकि बेटा 90 में से 32 गया, कितना बच गया आपका, 58। अब सुनना, आपका ये तो सेम चल रहा है, कोसेक 32 डिग्री बटे में, अब देखो बेटा सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कोसेक के ना, तो यहाँ लिखा मैंने कोसेक, और बेटा थीटा यहाँ कितना है, लास्ट वाला यहाँ देखो थीटा कितना है, 32 डिग्री, कोस 32 डिग्री को कोस 32 डिग्री से भाग दिया, आपका आंसर कितना आ गया, 1। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जैसे कि इसी का मैं फिर तीसरा प्रश्न लेता हूँ, टेन 10 डिग्री बटे में कोट 80 डिग्री, इसी का तीसरा आपका है, टेन 10 डिग्री बटे में कोट 80 डिग्री, बिल्कुल इजी सा है, एक को सेम रखेंगे। देखो टेन का टेन रखा मैंने, टेन 10 डिग्री और कोट का कोट रखा, और यहाँ लिख दिया मैंने 90 माइनस 10, 90 में से 10 गया बेटा, कितना बच गया, 80। अब देखो टेन 10 डिग्री तो ठीक है, कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, और टेन और थीटा कितना है भाई, 10 डिग्री, टेन 10 डिग्री को टेन 10 डिग्री से भाग दिया, उत्तर कितना आया, 1। उम्मीद करता हूँ इसको आपका अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका चौथा क्वेश्चन आप खुद करना, ये तीन आ गए तो चौथे क्वेश्चन में भी दिक्कत नहीं आएगी, एक प्रश्न आपको भी देता हूँ साथ साथ में, और आप रेगुलर काम किया करो बेटा। अगर आप रूटीन से काम करोगे तो अपनी ये ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल ईजी सी एक्सरसाइज है, और अगर आप रूटीन से नहीं करोगे तो आपके लिए मुश्किल बन सकती है। अब देखो मैं दूसरा प्रश्न स्टार्ट करता हूँ, आप इसी का दूसरा प्रश्न स्टार्ट किया और दूसरे का पहला पार्ट देखना क्या है। दूसरे का पहला पार्ट आपको दिया गया है, कोसेक 25 डिग्री, कोसेक 25 डिग्री माइनस सेक 65 डिग्री, कोसेक 25 डिग्री माइनस सेक 65 डिग्री। बेटा देखो सबसे पहले तो देखो कोसेक और सेक, सेक का कोसेक होता है, कोसेक का क्या होता है, सेक होता है। अब देखो पूरक कोण 25 और 65 का अगर हम सम करते हैं ना तो 90 डिग्री आता है, 90 डिग्री आता है तो बेटा सीधी सी बात है एक दूसरे के पूरक कोण है। अब सीधी सी बात है एक को तो सेम रखना है, दूसरे को चेंज करना है, किसी एक को सेम रखोगे, जैसे कि यहाँ मैंने कोसेक 25 को तो सेम रखा और सेक का तो मैंने सेक ही रखा बेटा, और 65 को मैंने क्या लिखा, 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, क्योंकि ये आपस में पूरक कोण है ना, 90 में से 25 घटा दिया कितना आया बेटा आपका, 65 डिग्री आया। अब आप जानते हो सेक 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा के, तो सीधी सी बात है आपका क्या आ गया,
कोसेक 25 डिग्री माइनस कोसेक, और आपका थीटा 25 डिग्री है, 25 डिग्री कोसेक 25 डिग्री में से कोसेक 25 डिग्री बच गया, कितना बच गया बेटा? जीरो। तो आपका कितना आंसर आ गया? जीरो। अब इसी का सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है, कोट 34 डिग्री माइनस टेन 56 डिग्री, सेम एकदम एग्जैक्ट ऐसा ही होगा, उसका भी मान कितना आएगा? जीरो। तो आप ना इसका दूसरा क्वेश्चन खुद करना, इसका दूसरा खुद करना, क्योंकि ये पहला समझ में आया तो दूसरा एकदम एग्जैक्ट सेम है। एक को सेम रखना है, दूसरे को क्या करना है? चेंज करना है। यहाँ ये कोई ज़रूरी नहीं, यहाँ ये भी आप चेंज कर सकते हो, बट आप कोशिश करना कि एक ही लय में चले, ताकि क्वेश्चनों को आसानी से समझा जाए। जैसे कि इसी का तीसरा प्रश्न की बात करता हूँ मैं, इसी के तीसरे प्रश्न की बात करूँ मैं, तो तीसरा प्रश्न दिया गया है दूसरे का, साइन 36 डिग्री बटे में कोस 54 डिग्री। अब देखिएगा, साइन 36 डिग्री बटे में कोस 54 डिग्री, और साइन बीच में बेटा दिया गया है माइनस, माइनस का साइन 54 डिग्री बटे में कोस 36 डिग्री। घबराने की आवश्यकता नहीं है, दो वैल्यू आ गई, बीच में माइनस आ गया। अगर आपको ये प्रश्न आता है तो ये भी आएगा। अब देखिएगा, आपका ये प्रश्न दिया गया है, आपको मान ज्ञात करना है। सीधी सी बात है बेटा, एक को सेम रखना, दूसरे को चेंज करना। मैंने साइन 36 डिग्री को सेम रखा, ये वाला सेम रखा, और कोई बात नहीं है बेटा, यहाँ कोस 54 डिग्री है ना, इसको लिख दिया मैंने 90 माइनस 36, 90 में से 36 घटा दिया, देखो कोई फर्क नहीं आया, 90 में से 36 गया, कितना बच गया भैया आपका? 54 बच गया, और बीच में साइन किसका है? माइनस का। साइन 54 डिग्री को सेम रखा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से समझते जाना आप, बटे में कोस 36 को मैंने क्या लिखा? 90 में से 54 गया, कितना बच गया? 36। अब आप सोच रहे हो सर बार बार ऐसे कैसे लगा रहे हैं, यहाँ देखो 54 और 36 कितना होता है? 90 डिग्री। 36 और 54 कितना होता है? 90 डिग्री, मतलब कि दोनों पूरक कोण है ना, एक को तो सेम रखो, दूसरे को चेंज करो। अब आप देखिएगा बेटा, ये वाला तो सेम ही है ना, साइन 36 डिग्री बटे में कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा? साइन थीटा। तो साइन और थीटा कितना है यहाँ? 36 डिग्री, साइन बीच में है बेटा माइनस का, और यहाँ साइन 54 डिग्री आपका सेम रहेगा। कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन, और थीटा आपका कितना है? 54 डिग्री। अब बेटा देखो, साइन 36 को साइन 36 से भाग दिया, उत्तर कितना आया? एक। साइन 54 को साइन 54 से भाग दिया, उत्तर कितना आया? एक। एक में से एक गया, कितना बच गया? जीरो। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आ रहे होंगे, और इजी प्रश्न है बट बेटा इनकी आप प्रैक्टिस करना, क्योंकि इनमें ना आप कंफ्यूज हो जाओगे। कई बार क्या है कि सर ने ऊपर वाला चेंज कर दिया, नीचे वाला चेंज कर दिया, इसलिए कंफ्यूज हो जाओगे। प्रश्नों की लैंग्वेज भी आसान है, क्वेश्चन भी आसान है, इजी वे के क्वेश्चन है, बट आप ना लगातार इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बट इनकी प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस करते रहना। यहाँ तक तो उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी का मैं चौथे प्रश्न की बात करूँ, इसको मिटा रहा हूँ बेटा। फार्मूले आपके सामने, एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, मैं साइड हो जाता हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा जितना भी काम करवाया है। अब उसके बाद देखना नेक्स्ट, अगर मैं प्रश्न की बात करूँ, इनको मिटा रहा हूँ मैं, आपने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। और जब भी आपको समझ में नहीं आए, ऐसा होगा तो नहीं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप रेगुलर क्लास लगा रहे हो तो 100% समझ में आएगा, बट ऐसे लगे कि समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को रिवाइज कर लिया करो, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो, दूसरे दिन मैं आते ही वही समझा दूंगा, ठीक है बेटा? अब देखो इसी का चौथा क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, इसी का चौथा क्वेश्चन देखना, अच्छा क्वेश्चन है कि साइन थीटा इंटू कोस 90 माइनस थीटा। देखिएगा, साइन थीटा इंटू कोस 90 डिग्री माइनस थीटा,
और साइन बीच में है प्लस का, प्लस कोस थीटा इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। अब दिमाग में आया सर ऐसे कैसे क्वेश्चन आ गया, एक सीधा दे दिया सीधा। अरे यार ये तो बिल्कुल इजी है, इसमें तो कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। देखो साइन थीटा का आपका साइन थीटा है, फार्मूला खुद ही बना रखा है इसने। कोस 90 माइनस थीटा क्या इसके बराबर होता है, अभी मैंने करवाया था ना, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन थीटा के बराबर। तो यहाँ आ गया आपका साइन थीटा। अब उसके बाद साइन बीच में प्लस का है, कोस थीटा का तो मैंने कोस थीटा रख लिया। अब बेटा यहाँ देखो साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के इक्वल होता है। तो ये आपका आ गया कोस थीटा। अब साइन थीटा को साइन थीटा से गुणा किया कितना आ गया, साइन स्केयर थीटा। अब बेटा गलती मत कर देना, कभी कभार ऐसे कर दो, साइन स्केयर भी दो बार है थीटा भी दो बार है, ऐसे नहीं होगा, एंगल एक ही है इसमें। साइन को साइन से मल्टीप्लाई किया आपका क्या आ गया, साइन स्केयर थीटा, और साइन बीच में क्या है प्लस का, और यहाँ क्या आ गया कोस स्केयर थीटा। अब आप जानते हो सर्व समीकरण याद आ गई, साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा का मान कितना होता है, एक होता है। तो आपका आंसर कितना आ गया, एक। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में ये भी प्रश्न आया होगा, आपके पहले के भी चार प्रश्न हो चुके हैं, दूसरे के भी चार प्रश्न हो चुके हैं, बिल्कुल इजी से हैं बेटा। अब देखो मैं प्रश्न संख्या तीसरा करवाता हूँ, तीसरे प्रश्न में आप देखना बिल्कुल आसान है। तीसरा प्रश्न आप देखना, तीसरे प्रश्न की लैंग्वेज क्या है, आपको दिया गया है साइन 70 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री, साइन 70 डिग्री इंटू में साइन 20 डिग्री, और आगे है आपका कोस 20 डिग्री, कोस 20 डिग्री इंटू में कोस 70 डिग्री। अब बेटा देखना आपकी बुक में है ना, यहाँ कोस की बजाय कोसेक दिया गया है, ये थोड़ा आपकी बुक में मिस प्रिंट है, कोसेक को आप कोस कर लीजिएगा। आपका जो तीसरे का क्वेश्चन नंबर एक है इसमें थोड़ी सी मिस प्रिंट दी गई है बुक में, यहाँ कोसेक दिया गया है बेटा, उसको कोस कर लीजिएगा। अब देखो प्रश्न क्या है, साइन 70 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री माइनस कोस 20 डिग्री इंटू कोस 70 डिग्री। अब आप मेरे को ये बताएं बेटा, देखो एक को चेंज करना है दूसरे को सेम रखना है। अब मुझे बताएं आप, साइन 70 है ना, 20 है, 20 है और 70 है, दोनों का सम कितना आता है, 90 आता है ना, 20 और 70 90, 20 और 70 90, मतलब कि ये सीधी सी बात है, पूरक कोण है। अब ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब यहाँ मैंने साइन 70 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, और बेटा आपका साइन ये सेम ही है, एक को चेंज कर दिया दूसरे को क्या करा भाई, सेम रखेंगे, चेंज इसमें भी चेंज क्या है बेटा, बस यही लिखा है 70 को मैंने 90 माइनस 20 ही तो लिखा है। अब यहाँ साइन है माइनस का, अब कोस 20 का तो कोस 20 रह गया, 70 वालों को ही चेंज कर रहा हूँ मैं, और यहाँ कोस 70 है ना, इसको मैंने क्या लिखा, कोस 90 माइनस 20 डिग्री। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, अभी मैंने फार्मूला करवाया था ना, कोस, और थीटा ये होता है दूसरा, कोस 20 डिग्री इनटू में साइन 20 डिग्री, साइन बेटा बीच में माइनस का है, और यहाँ देखो कोस 20 डिग्री इनटू में कोस 90 माइनस थीटा कितना है, साइन, साइन 20 डिग्री। अब देखो बीच में साइन किसका है बेटा, माइनस का, कोस 20, कोस 20, साइन 20, साइन 20, एक बार दोनों प्लस के हैं, एक बार दोनों किसके हैं, माइनस के हैं। तो बेटा आपका उत्तर कितना आ गया, आपस में कट गया तो उत्तर कितना आ गया भाई, जीरो। यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा, सिर्फ मैंने 70 डिग्री को चेंज किया है, यहाँ 70 डिग्री को चेंज किया है, यहाँ भी 70 डिग्री को चेंज किया है, यहाँ 70 को मैंने क्या लिखा है 90 माइनस 20, यहाँ 70 को फिर मैंने क्या लिखा है 90 माइनस 20, तो आपका ये आ गया। और आप जानते हो कि साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा के, और कोस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में भी आ रहे होंगे, इजी वे के प्रश्न है बेटा। अब देखो इसी का दूसरा भी करवाता हूँ, चलो इसी का दूसरा प्रश्न है, दो कोस 67 डिग्री, दो कोस 67 डिग्री बटे में
साइन 23 डिग्री, दो कोस 67 डिग्री बटे में साइन 23 डिग्री माइनस टेन 40 डिग्री, टेन 40 डिग्री बटे में कोट 50 डिग्री। और आगे आपको दिया गया है बेटा यहाँ माइनस का कोस 60 डिग्री, बिल्कुल इजी प्रश्न है, माइनस का कोस 60 डिग्री। अब आप मुझे ये बताएं कोस दिया गया है कि कोट, चलो यहाँ कोस दिया गया है, ठीक है, अगर कोट होता तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा, कोट भी हो सकता है कोस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ आप मुझे ये बताएं कि दो का आपका सेम है, अब सुनो 67 और 23 कितना होता है 90 होता है, 40 और 50 कितना होता है 90 होता है, टेन और कोट आपस में विपरीत है कि नहीं, कोस और साइन आपस में विपरीत है कि नहीं, तो बिल्कुल इजी बन गया, दो का दो है आपका और कोस 67 डिग्री को मैंने सेम रखा और बटे में साइन। अब बेटा यहाँ देखो साइन का साइन रखा और यहाँ लिख दिया मैंने 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री, क्योंकि इसको चेंज किया तो 90 में से 67 गया, कितना बच गया भाई 23 बच गया, बीच में साइन है माइनस का। अब बेटा देखो टेन 40 डिग्री को तो मैंने सेम रखा, अब आप देखिएगा यहाँ क्या है आपका कोट, कोट का मैंने कोट रखा, कोट का मैंने क्या रखा भाई कोट रखा, और यहाँ 50 डिग्री को मैंने क्या लिखा भाई 90 माइनस 40, क्योंकि 90 में से 40 गया, कितना बच गया भाई 50, माइनस का कोस 60 डिग्री आपका सेम ही है, कोस की जगह कोट भी हो, चलो मैं यहाँ कोट लेता हूँ, फिर भी देखना चाहे आपका कोट आए चाहे कोस आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चलो कोट कर लीजिए, कोस आए कोट आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आपने क्या है यहाँ कोट कर लिया या कोस ही कर देता हूँ एक ही बात है बेटा, आप यहाँ कोट करो चाहे कोस करो चाहे साइन 60 डिग्री आए चाहे कुछ भी आए, क्योंकि यहाँ तो सीधी सी बात है कुछ चेंज तो होना ही नहीं है, मतलब अपने को वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, आपने 6th एक्सरसाइज की है उसी के अनुसार है ये, आप देखना। अब देखो ये बेटा 2 का 2 हो गया, ध्यान से समझना, कोस 67 डिग्री बटे में साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है कोस, और थीटा आपका कितना है भाई 67 डिग्री, बीच में साइन माइनस का है टेन 40 डिग्री बटे में कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है टेन, और टेन कितना है 40 डिग्री, अब माइनस का कितना है कोस 60 डिग्री, अब बताइएगा यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। अब बेटा आप यहाँ ध्यान से समझिएगा कि यहाँ आपका 2 इंटू कोस 67 से कोस 67 कैंसिल हुआ कितना बच गया 1, माइनस का अब यहाँ देखिए टेन 40 को टेन 40 से भाग दिया यहाँ भी कितना आ गया 1। अब दूसरा कोस 60 डिग्री की वैल्यू, कोस 60 आप छठी प्रश्नावली को थोड़ा सा रिपीट कीजिए, कोस 60 डिग्री की वैल्यू क्या थी जो साइन 30 डिग्री की थी, और कोस 60 की वैल्यू कितनी है बेटा 1 बटे में 2, याद होगा आपको साइन 0 डिग्री की 0, 30 की 1/2, 1/√2, √3/2 और आपका था 1, उसके बाद आपने क्या किया 1√3/2, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा 1/√2 और फिर कितना आया था 1/2, ये 60 डिग्री के वैल्यू है कि नहीं। अब यहाँ देखो 2 एकम 2 माइनस का 1 और माइनस का 1/2 है, अब 2 में वो एक ही बात है इनको ऐड कर लो चाहे इसमें से घटा दो, अब आप मुझे ये बताएं कि माइनस का 1 और माइनस का 1/2, माइनस का 1 और माइनस का 1/2 बोलो कितना होता है बेटा माइनस का 3/2, माइनस का कितना आ गया 3/2, और 2 को अगर 3/2 में से मैंने घटा दिया तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा 1/2, एलसीएम बताने की तो ज़रूरत नहीं है ना, यहाँ वैल्यू रखी 1 भी माइनस का और माइनस का ही 1/2 है, तो इन दोनों को मैंने माइनस वालों को एक तरफ रख लिया तो कितना आ गया 3/2, और 2 में से अगर 3/2 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 1/2,
उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बाद देखना भाई, अगला क्वेश्चन आपका ये है क्वेश्चन नंबर 4। चौथे का मैं एक आपको करवाता हूँ, एक आप खुद करना। प्रश्न नंबर 4 देखिएगा, आपका चौथा प्रश्न ये है। अब पता चल गया होगा ये इस प्रश्न में थोड़ा सा छठी प्रश्नावली को भी जोड़ दिया गया है, क्योंकि cos 60 अकेला है ना, तो यहाँ हमने वैल्यू रख ली। यहाँ कोई आवश्यक नहीं है कि cos 60 है, tan 60 है, आपको तो सीधा ही अकेला आ जाए ना, तो उनकी वैल्यू रखनी है। अब देखो मैं अगला प्रश्न करवाता हूँ, जैसे कि आपका प्रश्न संख्या है 4। चौथे का मैं पहला करवाता हूँ, चौथे का मैंने पहला करवाया और पहला प्रश्न है आपका साइन 35 डिग्री बटे में कोस 55 डिग्री, कोस 55 डिग्री और इसकी चल रही है होल स्क्वायर प्लस में कोस 55 डिग्री बटे में साइन 35 डिग्री, साइन 35 डिग्री इसकी होल स्क्वायर चल रही है और माइनस का 2 कोस 60 डिग्री, माइनस का 2 कोस 60 डिग्री। अब देखना बेटा, बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, अगर आपने पहला दूसरा तीसरा किया है तो इस प्रश्न में डाउट ही नहीं आएगा। अब सुनना ध्यान से, 35 और 55 90 होते हैं ना, साइन और कोस विपरीत, 35 55 90 साइन और कोस क्या होते हैं आपके, विपरीत होते हैं। अब आप देखिएगा, यहाँ एक को तो मैं सेम रखता हूँ, दूसरे को चेंज करता हूँ। देखिए बेटा, साइन 35 डिग्री बटे में कोस 90 माइनस 35, क्योंकि बेटा 90 में से 35 गया, कितना बच गया आपका 55, और इसकी क्या चल रही है होल स्क्वायर। इसी प्रकार ऊपर वाले को तो सभी में मैं सेम ही रख रहा हूँ, कोस 55 डिग्री बटे में साइन 90 माइनस 55, क्योंकि 90 में से 55 गया, आपका कितना बच गया 35 और इसकी स्क्वायर। अब बेटा आप आगे देखिएगा, यहाँ मैंने लिखा माइनस का 2 कोस 60 डिग्री। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा, एक को सेम रखा, नीचे वाले को चेंज कर दिया, क्योंकि दोनों पूरक कोण है ना। अब आप देखिए, साइन 35 डिग्री बटे में कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन का 35 डिग्री। अब देखो इजी से प्रश्न है ना, पहला आता है तो दूसरा आएगा, दूसरा आता है तो तीसरा आएगा, और पहला दूसरा तीसरा आता है तो चौथा आएगा और नेक्स्ट वाले आएंगे। अब देखो, प्लस कोस 55 डिग्री बटे में साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस और थीटा कितना हो 55 डिग्री, माइनस का 2 कोस 60 डिग्री। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आप देखिए बेटा, साइन 35 को साइन 35 से भाग दिया, कितना आया 1, तो आपका आ गया 1 की स्क्वायर, इसको इससे भाग दिया फिर कितना आ गया 1, यहाँ स्क्वायर चल रही है बेटा, फिर 1 की स्क्वायर आ गई, माइनस का 2 इंटू, और कोस 60 की वैल्यू हमने अभी निकाली थी ना जस्ट, कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो माइनस का 1/2, 1 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 1, 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 एकम 2, 1 एकम 1, 1 और 1 कितना हो गया 2, 2 माइनस का 1, और उत्तर कितना आ गया इसका भी 1। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं है ना। देखो, एक को सेम रखा दूसरे को चेंज किया, एक को सेम रखा दूसरे को चेंज किया, यहाँ तो लगा कोस 90 माइनस थीटा वाला फार्मूला, यहाँ लगा साइन 90 माइनस थीटा वाला फार्मूला, स्केयर है तो स्केयर रख लिया, यहाँ अकेला है तो अकेला रख लिया। अब यहाँ मैंने क्या किया बेटा, इन सब का क्या है, इनको इनसे भाग दिया, एक आ गया 1 की स्केयर, 1 की स्केयर,
फिर दो गुणा एक बटा दो, दो से दो कट गया एक, एक और एक कितना होता है दो, दो माइनस एक, एक बच गया।